आज वह दिन है जो करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का रोज जन्म दिवस होता है, पौने दो करोड़ आदमी का। लेकिन साक्षात्कार दिवस पौने दो करोड़ आदमियों का रोज नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति का भी साक्षात्कार दिवस रोज मिल जाए तो हिंदुस्तान स्वर्ग में बदल जाएगा। एक लाख आदमी में भी एक अगर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ पुरुष मिल जाए तो विवेकानंद बोलते हैं पृथ्वी 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। आप क्या समझते आत्म साक्षात्कार? यह वह ऊंची चीज है, यह वह ऊंची प्राप्ति है कि अष्ट सिद्धि और नौ दिधि 3 साल की उम्र में चमत्कार होने लगे, 10 साल की उम्र में सिद्धियों के खेल देखे। भगवान के दर्शनों के बाद कृष्ण के, शिव के और विष्णु के दर्शन प्रचेताओं के हुए, उसके बाद भी साक्षात्कार बाकी रह जाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण मिले लेकिन साक्षात्कार बाकी रह गया, तब तक अर्जुन भी बल थे। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नव निधि थी, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए हनुमान जी बिन शर्ती शरणागत हो गए राम जी के। और जब राम राज्य हुआ और मोतियों की माला में हनुमान जी को सार नहीं दिखा, सच्चे हीरे आज तो वो हीरा 1-1, 5-10 करोड़ से कम न बिके, ऐसे सच्चे हीरों की माला को भी हनुमान जी ने देखा कि ये मिथ्या है। सच्चा हीरा तो वह आत्मा है, आत्म प्रकाश के बिना बाकी के प्रकाश व्यर्थ है। जब माला के दाने तोड़ तोड़ के फेंकने लगे तो वहां के जवेरी मूर्ख सोचते थे कि हनुमान ये तो एक बंदर है, मूर्ख है, इसको क्या पता असली हीरों का। लेकिन हनुमान जी मूर्ख नहीं थे, हनुमान जी को मूर्ख मानने वाले वे ज्वेलर मूर्ख रहे होंगे। हनुमान जी की महानता श्री राम जी समझ गए और राम जी ने और सीता जी ने हनुमान जी को आत्म प्रकाश का उपदेश दिया। और जब हनुमान जी को अपने आत्म सुख स्वरूप का साक्षात्कार हुआ तो राम जी पूछते कि हनुमान अब मैं तुझे कैसा लगता हूँ? बोले प्रभु जगत दृष्टि से आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। सृष्टि की दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से आप स्वामी, मैं सेवक हूँ। और सृष्टि की दृष्टि से आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ। लेकिन तत्व दृष्टि से ईश्वर का जो आत्मा है वही जीव का आत्मा है। अभी पता चला प्रभु आप जो है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही आप है। जैसे मैं ही सपने में राम जी बना लेता हूँ और राम जी सपने में हनुमान बना देते हैं तो वही एक आत्म सत्ता से होता है। राम जी प्रसन्न हुए और हनुमान जी को आलिंगन करते हुए कहा राम जी ने, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। आज हमारे लिए लीलासा बापू हमारे राम जी थे और हम उनके हनुमान रहे, हमारे पर गुरु की कृपा भई और वह पूर्ण दिन पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मल से हो गए साई आशाराम। अपने जन्म दिवस की बधाई दूसरे को नहीं दी जाती, दूसरे अपने को दे, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के दिवस की बधाई तो मैं खुलकर दे सकता हूँ, क्योंकि आपका भी हौसला बुलंद होगा। जब एक को मिल सकता है तो दूसरे को भी तो मिल सकता है। एक का आत्मा चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, तो आपका भी तो है। मेरा आत्मा अमर है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, तो आपका आत्मा भी शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। मैंने गुरु प्रसाद ही पाकर जान लिया है, तुम खाली जानने का इरादा बना लो बस। जय राम जी की। हरे ओम मा ओम मा ओम मा हिम्मत, हरे ओम मा ओम मा ओम मा शक्ति। दृढ़ इरादा करो कि हमें इसी जन्म में सुख और दुख के सिर पर पैर रख के अपनी अमरता की स्मृति करना है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, ये तो पक्का क्या, आज एक नया सूत्र पक्का कर लो। आदर तथा अनादर लिखो, आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर। दुनिया में शरीर का आदर हो जाए चाहे अनादर हो जाए उसको महत्व नहीं दो। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले। निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की। धर जूते के तले, धर जूते के तले। निंदनीय कर्मों से बचो, लेकिन छोटी मोटी निंदा होती ईश्वर के रास्ते जाने, घबराने की जरूरत नहीं।
प्रशंसा होती तो अभिमान लाने की जरूरत नहीं है। वाहवाही हुई तो मरने वाले शरीर की वाहवाही कब तक, और निंदा हुई तो सुकड़ना कब तक। अपने तो निंदा को स्तुति को आते और जाते जो देखता है वो अपने आत्मा परमात्मा को पाना है, जानना है, और उसी आनंद को पाकर, सर्वोपरि सुख को पाकर सदा के लिए मुक्त आत्मा हो जाना है, पूर्णात्मा हो जाना है। तो आप सभी को शिव जी के तरफ से और मेरे गुरुदेव बापू के तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूँ। जो शिव जी के श्री मुख से निकला है वो तुम्हारे मुख से उच्चारित करना। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है, उनके कुल गोत्र में जन्म लेने वाले धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। नारायण नारायण नारायण। हरिओम हरिओम मा हरिओम मा हरिओम मा हरिओम मा हरिओम मा हरिओम मा हरिओम हरिओम मा हरिओम मा हरिओम मा हरिओम मा हरिओम मा हरिओम Hari Om 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 तुम्हारे कानों में किसका नाम पड़ा है मुझे पता है, तुम्हारी जीवा पर कौन सा पावन नाम नृत्य कर चुका है तुम्हें पता, उसे प्यार करते जाना। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम हरि 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 ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव Hari Om 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 पकोड़ों से आ रहा है, तुम्हारे आत्मा का आनंद जगा रहा है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम Hari Om Hari Om Prabhu Om Pyare Om Hari Om Hari Om Hari Om Pyare Om Hari 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 Om Hari
हरिओ 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 हरि ओम 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 बधाई हो हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम ओम आज आसोद शुद्ध दो दिवस है हरि ओम 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 आनंद देवा गुरु देवा लीलाशा देवा तुम्हारी जय हो प्रभु देवा हरि ओम ओम हो बिन फेरे हम तेरे साथ फेरे फिरने वाले भी एक दूसरे को छोड़ के मरते लवर लवरियों का तो बुरा हाल है लेकिन तेरे साथ कोई फेरे फिरे नहीं लेकिन अभी तेरे हम मरने के बाद भी प्रभु तेरे और अगले जन्म में भी हम तेरे थे बिन फेरे हम तेरे हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम 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 हिम्मत हरि ओम 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 पक्का इरादा जो बापू को मिला वो हमको भी मिले जो बापू ने पाया हम भी वही पाएंगे पक्का इरादा करो हम तुम्हारे सहयोग में लगेंगे हरि ओम 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 आनंद देवा हरि ओम 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 माधुर्य देवा हरि ओम 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 फिकर फेंक कुएं में अमर होकर मृत शरीर को मैं मानकर कब तक तू दुखी रहेगा रुदन को गीत में बदलने की कला सीख ले द्वेष को प्रीत में बदलने की कला सीख दे वैर को प्रेम में बदलने की कला सीख ले जिंदगी है चार दिन की मरने वाले शरीर के द्वारा तू अमर आत्मा के आनंद को पाने की कला सीख ले भाई काहे को घबराए काहे चिंता करे काहे संसार में पचमरे यार साधक के लिए चार बातें अनिवार्य पालनीय है किसी को बुरा ना मानो बुराई उसके ऊपर के मन की मैल है बुरा व्यवहार उसने जब किया उस समय जो बुरा था उतना अभी नहीं है बुरा किसी को बुरा ना माने किसी का बुरा ना सोचे किसी को बुरा ना कहे किसी का बुरा ना करे गहराई में सभी की भलाई करे देखो फिर वो आत्मदेव का प्रसाद तुम्हारे को प्राप्ति करने में आसानी हो जाएगी दूसरी बात यहाँ जाऊँ तो सुखी हो जाऊँ ये खाऊँ तो सुखी हो जाऊँ ये पाऊँ तो सुखी हो जाऊँ इसको हटाऊँ तो सुखी हो जाऊँ ये सब कल्पनाएं कर करके तो करोड़ों जन्म बर्बाद हो गए अब तो अपने आप को जानो देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया अपने आत्मा परमात्मा की मस्ती में आने की कला जान लो रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो हार को जीत में बदलने की कला सीख लो और मरण धर्मा शरीर को अमर आत्मा का रस पाने की कला सीख लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीति देवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय